नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मलिक मुंबई यूट्यूब चैनल पर। मैं बुलेट दुबई आपके लिए लेके आया आईपीएल का मैच नंबर 36। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच विनर, पिच रिपोर्ट, फैंटेसी इलेवन और कुछ इंपॉर्टेंट की स्टेट की। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। तो गाइज, कल वाले वीडियो में आपको एडवांस में बोल दिया था मैंने हैदराबाद मैच को जीतेगा, वीडियो में बोल दिया था, चैनल में भी डाला था अपडेट। तो ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन कर रखा आप लोगों के लिए, तो फटाफट जाके भाई मेन चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा कहीं पे भी आपको कोई भी टीम दिखती है तो वो वैलिड नहीं होगी, मुझे आके नीचे कमेंट मत किया करो को आपने वो टीम दी थी, आपने देखा हो पिछले 2-3 में से यही चल रहा, तो ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करो, इसी की टीम वैलिड रहेगी। तो गिव अवे की बात करते हैं, तो गिव अवे के लिए 3 क्वेश्चन के आंसर दो, मोस्ट रन, मोस्ट विकेट और मैन ऑफ द मैच। तीनों क्वेश्चन के आंसर जिसके सही होंगे उसको कैश गिव अवे मिलेगा तुरंत विद इन 5 मिनट्स। तो गाइज, आज के लिए लास्ट गिव अवे हैं, कल से गिव अवे चेंज किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो गाइज, अब बात करते हैं आज वाले मैच की। आज का जो मैच होगा कोलकाता वर्सेज बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, कलकत्ता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन पर आज का मैच होने वाला है, दिन में 3:30 बजे से आज मैच स्टार्ट होगा। अगर दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की हम बात करें तो कलकत्ता की टीम 6 में से 4 मैच जीत चुकी है और बेंगलोर की हम बात करें तो 7 में से सिर्फ 1 मैच जीती है, 5 मैच ये बैक टू बैक हार कर आ रही है। बाकी अब आरसीबी की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इसमें कुछ 2-3 चेंजेस करने के बाद। तो आज का जो मैच होगा हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, कलकत्ता की टीम भी बढ़िया रन लगाएगी, आरसीबी की आई तो आरसीबी की बढ़िया, तो मज़ा आएगा आज वाले मैच में, जैकपॉट भी आज मैच हो सकता है। तो गाइज, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अब बात करते हैं हम आज की पिच रिपोर्ट की। तो ईडन गार्डन का जो ग्राउंड है बैटिंग के लिए बहुत शानदार पिच है, यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर लगते हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज भी छोटी हैं यहाँ की, जिस कारण बड़े टारगेट आसानी से लग जाते हैं यहाँ पर। स्पिनर डोमिनेटिंग पिच है, तो कम से कम 3 स्पिनर तो ज़रूर टीम के अंदर रखना दोस्तों। वैसे स्टार्टिंग के जो मैच होते हैं यहाँ पे उसमें स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते, पर 2-3 मैच हो गए हैं तो अब स्पिनर्स को विकेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट इनिंग टीम स्पेशली बॉलर गेम और फैंटेसी पॉइंट, फर्स्ट इनिंग के बॉलर ज़्यादा पॉइंट देखे जाते हैं यहाँ पर। पिच इज हाई स्कोरिंग बट लास्ट ईयर सम लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच, तो हमने देखा है यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर लगते हैं पर पिछले साल यहाँ पर कुछ छोटे स्कोर भी हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, डिफेंड भी हुए हैं। गाइस, आज वाले मैच में दोनों टीमें बढ़िया हैं, यहाँ पे स्कोर आज बड़ा लग सकता है, हाई स्कोरिंग मैच होने के हाई चांसेज है आज वाले मैच में। तो ईडन गार्डन का ग्राउंड है ये, बड़े स्कोर लगते हैं यहाँ पे स्पेशली छोटा ग्राउंड होने की वजह से। तो अब बात करते हैं हम रिसेंट रिकॉर्ड्स की। तो टोटल यहाँ पे 89 मैचेज खेले गए, उसमें 36 बैटिंग फर्स्ट ने और 53 मैच सेकेंड बैटिंग ने जीते हैं यहाँ पर। बैटिंग सेकेंड थोड़ी ज़्यादा विन होती है यहाँ पर, एवरेज स्कोर यहाँ का 165 रन है। लास्ट 10 मैच में गिरने वाले विकेट की हम बात करते हैं, 120 विकेट गिरे हैं उसमें, पेसर को 58 विकेट, स्पिनर को 62 विकेट। और ये स्पिनर का जो रेशो है दोस्तों, स्टार्ट के मैचेज में पेसर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं पर यहाँ पे जैसे 2-5 मैच हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर सोल हो जाता है, तो स्पिनर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस ग्राउंड पे। लास्ट 10 मैच के स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 223, पिछले मैच में चेंज हुआ था, राजस्थान ने ज़बरदस्त जैकपॉट उड़ाया था इस मैच में, उससे पहले 161 चेज, 208 का डिफेंड हुआ यहाँ पर, 176 डिफेंड, 149 का चेज, 179 के 2 बार टारगेट चेज हुए हैं इस ग्राउंड पर, 235 डिफेंड, 228, 204, 200 प्लस के डिफेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे 2-4 मैच यहां पर हो जाते हैं। बात करते हैं दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट प्लेयर की रिसेंट फॉर्म के बारे में। रिंकू सिंह के बारे में बात करूँ तो रिंकू सिंह इस साल कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, बैटिंग में नहीं आ पाते। मिचेल स्टार्क की मैं बात करूँ तो इस साल आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर है पर सबसे ज़्यादा पिटाई इसी की हो रही है, पर विकेट निकाल रहे हैं जब 2 से ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की मैं बात करूँ तो पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो आज वाले मैच में भी कम से कम 1 विकेट तो निकालेगा, इस मौल्य के लिए पूरी तरह से सेफ है। श्रेयस अय्यर की मैं बात करूँ, एवरेज रन बना के जा रहा है, इस मौल्य के लिए पूरी तरह से सेफ ले रहा है। फिलिप सॉल्ट की मैं बात करूँ तो पिछले मैच में 10 रन, उससे पहले से 89 रन और इसी ग्राउंड पर मारा था, इस ग्राउंड पर थोड़ा ठीक ठाक खेलता है पर सामने वाली टीम में आरसीबी में इसके सामने है भाई रिस टोपली, दोनों एक टीम में खेलते हैं तो वो इसको स्टार्ट में आउट भी कर सकता है। आंध्र असल की मैं बात करूँ तो बिल्कुल सेफ चॉइस है, इसको तो हर टीम के अंदर उठाना आप लोग। सुनील नारायण की मैं बात करूँ तो बैटिंग ऊपर कर रहा है, विकेट भी निकालता है, स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है, तो ज़रूर टीम के अंदर रखना है इसको। आरसीबी की तरफ से मैं बात करूँ तो रिस टोपली आज विकेट निकालेगा कम से कम एक, तो स्मॉल लीग के लिए सेफ है, ग्रैंड लीग के लिए भी ट्राई कर सकते हो। यश दयाल कोई खास प्रदर्शन नहीं है, मैक्सिमम 1 विकेट है। रजत पाटीदार कोई खास फॉर्म नहीं है इस साल पर, इस ग्राउंड पे इसने शतक मार रखा है,
तो आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो खुद से। डिके को जरूर रखना, नीचे खेलने आता है, विकेट कीपिंग के लिए शानदार ऑप्शन है। फाफ डू प्लेसेस की मैं बात करूँ तो छोटा ग्राउंड आज भी मार सकता है, ज़रूर रखना टीम के अंदर। विराट कोहली को तो रखना ही है। तो गाइस ड्रीम इलेवन के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूँ तो रसल, सुनील नारायण, रघुवंशी तीन बेस्ट पिक्स हैं। इसमें से रसल और नारायण को तो लेना ही है, रघुवंशी को आप ट्राई कर सकते हो। हर्षित राणा बॉलर्स के रूप में रख सकते हो आप। श्रेयस अय्यर स्मॉल लीग के लिए पूरी तरह सेफ है, ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो इस पर। सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर में से एक प्लेयर को रखना है। सॉल्ट वैसे आई थिंक आज फ्लॉप होगा तो रिस्की प्लेयर रहेगा, वैसे स्मॉल लीग के लिए सेफ हो सकता है, थोड़े बहुत रन तो बना जाएगा। वेंकटेश अय्यर को आप रख सकते हो टीम में, आज रन बना सकता है ये। तो अब बात करते हैं हम आरसीबी की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की। तो गाइज आरसीबी की तरफ से विराट कोहली को ज़रूर लेना है। विल जेक्स सेफ चॉइस है बिल्कुल भी, ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग। लोकी फर्ग्यूसन विकेट निकालेगा आज, पुरानी टीम है कोलकाता इसकी, श्योर है ये तीनों प्लेयर ड्रीम टीम के अंदर आपको मिल जाएंगे। रिस्की पिक्स में बात करूँ तो फाफ डू प्लेसिस, चल गया तो बढ़िया रन बनाएगा, नहीं चला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो रिस्की पिक्स में रहेगा फाफ डू प्लेसिस। डेक के सेफ चॉइस है विकेट कीपिंग के लिए, टीम के अंदर ज़रूर रखना इसको। और दोस्तों बॉलर के रूप में आप रख सकते हो रिस टॉपली को, सेफ चॉइस आज के लिए आरसीबी की तरफ से, विकेट निकालेगा ये। मैच विनर की मैं बात करूँ तो मैच विनर आज सेकंड बैट रहेगा, हाई चांसेस है सेकंड बैच के विन होने के, और जैकपॉट भी हो सकता है आज मैच। बाकी फाइनल टीम अगर रिपोर्ट में कुछ चेंज हुआ तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो इस चीज़ को श्योर मत मानना, टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे मैच टाइम।